कुतुब अहादीस में कई सबूत हैं इस बात के कि गैर मुस्लिम हदिया दे कबूल कर सकते हैं और गैर मुस्लिम को हदिया दे सकते हैं। बादशाह है मिस्र जिसका लकब था मुकौकस, मुकौकस है मिस्र ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा। क्रिश्चियन था बादशाह, वो मिस्र का बादशाह क्रिश्चियन था, उसने प्यारे नबी की खिदमत में हदिया भेजा। एक तो खच्चर भेजा, एक खच्चर, और दूसरा मारिया किप्तिया रजी अल्लाह अन्हा और उनकी बहन सीरीन। ये दो बहनों को मुकौकस से मिस्र ने, मिस्र के बादशाह ने प्यारे नबी की खिदमत में हदिया किया था। मारिया किप्तिया रजी अल्लाह अन्हा को प्यारे नबी ने अपने पास अपनी लौंडी के तौर पर रख लिया और उन्हीं के बतन से हजरत इब्राहिम की विलादत हुई थी जो 18 महीने की उम्र में वफात पा गए थे। और जो उनकी बहन थी सीरीन, सीरीन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरबार के शायर हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को गिफ्ट कर दिया। हजरत हसान रजी अल्लाह अन्हु के पास रही सीरीन। और जो खच्चर बादशाह ने हदिया किया था उस खच्चर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत तक इस्तेमाल करते रहे। पता चला कि गैर मुस्लिम का हदिया कबूल किया जा सकता है और जैसे किया जा सकता है वैसे गैर मुस्लिम पड़ोसी को, गैर मुस्लिम दोस्त को, गैर मुस्लिम बिजनेस पार्टनर को वो हदिया दिया भी जा सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने एक रेशमी लिबास बड़ा ही उम्दा बिकते हुए देखा, प्यारे नबी से कहा अल्लाह के नबी ये रेशमी लिबास बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए ना ताकि आप जुमा के दिन पहन सकें और जब वफद आपकी खिदमत में आते हैं उस लिबास को पहनकर आप वफूद का इस्तकबाल कर सकें। आपने कहा कि हादा लिबासु मल्ला खलाक लहु फिल आखिरा, कि आखिरत के तलबगार बंदों के लिए ऐसा कीमती लिबास जेब नहीं देता है। बाद में प्यारे नबी ने वही लिबास, क्योंकि प्यारे नबी के पास वो हदिये में आ गया वो लिबास, तो प्यारे नबी ने हजरत उमर को हदिये में भेजा। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी आपने तो फरमाया था कि ये आखिरत के तलबगारों को जेब नहीं देता, आपने मुझे हदिया में भेजा है। आपने कहा मैं इसलिए नहीं भेजाऊं कि तुम पहनो, या तो इसको बेच दो, बेच के दो पैसा कमा लो, या किसी को हदिया कर दो। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उनके रिश्तेदार भाई जो गैर मुस्लिम मक्के में रहा करते थे, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह उन्होंने अपने एक रिश्तेदार गैर मुस्लिम भाई को मक्के में तोहफे के तौर पे ये जोड़ा भेज दिया। पता चला कि गैर मुस्लिम को हदिया दिया जा सकता है। अबू दाऊद वगैरह की हदीस है, साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन आमर इब्न लास रजी अल्लाह उन्हों के घर बकरी जबा हुई तो घर के अंदर आए अब्दुल्ला बिन आमर इब्न लास रजी अल्लाह आके घर वालों से पूछा अहदी तुम ली जारीना अल यहूदी, कि जो बकरी जबा हुई है हमारा जो पड़ोसी यहूदी है बकरी का गोश्त हदिये में भेजा कि नहीं तुम लोगों ने, जल्दी भेजो। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न अल-अस रजी अल्लाह अन्हु ने बकरी के गोश्त का हदिया अपने यहूदी गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर भिजवाया। पता चला कि हदिये का लेन देन गैर मुस्लिम के साथ करना जायज है।